बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। नाउन से रिलेटेड हमारे पास कुछ जनरल रूल्स हैं, और उन जनरल रूल्स में से जिस जनरल रूल की हम बात करने जा रहा हूँ मैं, एक बात बेटे याद रखिएगा, इंग्लिश के रूल्स, इंग्लिश के नोट्स आपके साथ साथ चलते रहेंगे और आप उनमें एडिशन करते रहेंगे। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने नाउन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद नाउन में कुछ एडिशन नहीं होगा, कि बस ये हमारा नाउन कंप्लीट हो गया, ये मेरे नाउन के नोट्स बन गए, अब इसमें कुछ एडिशन नहीं होना। ऐसा नहीं होना, याद रखिएगा। आपके पास क्या होगा, आपने नाउन किया, नाउन के रूल्स आपने अपने पास लिख लिए, बड़े अच्छे तरीके से नोट किए, और मैं बारह दफा हर स्टूडेंट को यही कहता हूं कि बेटे अपने नोट्स अच्छे से बनाए। अगर आप अपने हाथों से अपने नोट्स अच्छे से बनाएंगे तो आपको किसी भी ग्रामर के लिए किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, नाउन के रूल्स कंप्लीट हो गए तो इट डजेंट मीन के नाउन के रूल में कभी कोई एडिशन नहीं होगा। जब हम टेस्ट पे जाएंगे तो हमें लाजमी तौर पर एक दो चार रूल नेम मिलेंगे, उनको हम इंक्लूड करेंगे। जब हम क्वेश्चन बैंक में जाएंगे तो हमें वहां पर कुछ रूल नेम नजर आएंगे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। जब हम टेस्ट सेशन में जाएंगे तो वहां पर शायद ही हमें कोई ऐसा रूल मिले जो इससे पहले हमने नहीं किया हो। लेकिन एक कैपेसिटी, एक स्पेस आपने लाजमी रखनी है। जब भी आप किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के नोट्स बनाएं तो आपने लास्ट में एक दो पेज उनके लाजमी छोड़ने हैं, क्योंकि उसमें लाजमी तौर पर हम एडिशन में जाएंगे। अभी जो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत कम बच्चों ने इसको पढ़ा है। टेक्निकली वर्ड्स आपने सारे पढ़े हुए हैं लेकिन टेक्निकली नहीं देखा हुआ। देखिए हम क्या करते हैं, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, अनयूजुअल प्लूरल। ये इसी तरह टेबल आपने अपने पास बना लेना, जो इसके बाद में टेबल डिस्प्ले करूंगा। अनयूजुअल प्लूरल है क्या, देखिए बड़ा सिंपल रूल है कि जब भी हमने किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो पहला रूल ये होता है हमारे पास कि हम किस चीज का एडिशन करते हैं, एस या ईएस का। अगर एस या इसका एडिशन नहीं करते तो हम किस चीज का एडिशन करते हैं, आईएस का भी एडिशन करते हैं। बहुत से वर्ड्स में हम वीई हटा के, एफ ई हटा के हम क्या लगाते हैं, वीईएस लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह रूल सो ऑन चलते रहते हैं सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन देखिये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस में से इंग्लिश में आते हैं। जब वो इंग्लिश में आते हैं दूसरी लैंग्वेज से तो उन पर रूल्स भी दूसरी लैंग्वेज वाले ही अप्लाई होते हैं, खास तौर पे सिंगुलर प्लूरल के तबार से। ये कुछ अनयूजुअल प्लूरल हैं, इनके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म आपने इसी तरह करने हैं जैसे लिखा हुआ है, आपने इन पे इंग्लिश के रूल अप्लाई नहीं करने। जैसे देखिए फर्स्ट वर्ड आपके पास लिखा हुआ है फार्मूला, फार्मूला का प्लूरल फार्मूलाज तो होता ही है लेकिन इसका फॉर्मल प्लूरल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, फार्मूलाए। टर्मिनस वर्ड है, इसका प्लूरल आपके पास क्या होगा, टर्मिनाए। रेडियस वर्ड है, रेडियस का प्लूरल आपके पास क्या होगा, रेडाए। बैंडिट है, बैंडिट का बैंडिडिटी। फिनोमिनन, दोनों बोलते हैं, फिनोमिना ही है, दोनों वर्ड को फिनोमिना बोलते हैं, फिनोमिनन किसी को नहीं बोलते। स्पेलिंग डिफरेंट है, एक वर्ड सिंगुलर है एन ओ एन के साथ और एक वर्ड प्लूरल है एन ए के साथ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डेटा, डेटम। अभी आपके पास सर्कुलम, करिकुलम, करिकुला, इरेटम, इरेटा, डेटम, डेटा। क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल है। मेमोरेंडम सिंगुलर है, मेमोरेंडा प्लूरल है। मीडियम सिंगुलर है, मीडिया प्लूरल है। देखें एक बात ध्यान में रखें, मैं दोबारा बोल देता हूं, ये वो वर्ड्स हैं जो दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आए हैं। जब ये वर्ड दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आते हैं तो इन पे रूल्स भी दूसरी लैंग्वेजेस के, जो लैंग्वेज के हैं वो अप्लाई होते हैं। जैसे अभी देखें आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस में आपके पास क्या है, अगर आप वर्ड देखते हैं कोई भी जिस वर्ड के एंड पे एस आई एस लिखा हुआ है तो आप एक बात ध्यान में बिठा लें कि वो किस फॉर्मेट में होगा, सिंगुलर फॉर्मेट में। और अगर एस ई एस के साथ लिखा हुआ है तो वो लाजमी तौर पर किस फॉर्मेट में होगा, प्लूरल फॉर्म में। जैसे अभी अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलता हूं क्राइसिस इज और आर, तो अगर एस आई एस है तो फिर मैं इसको किसके साथ लिखूंगा, इज के साथ। और अगर एस ई एस होता तो फिर मैं इसको किसके साथ लिखता, आर के साथ। एक बार ध्यान में बिठाएं, ये वो वर्ड है जो दूसरी लैंग्वेज से है, इन पर रूल भी दूसरी लैंग्वेज के अप्लाई होते हैं। आपको ये टेबल इसी तरह बनाना है, इन वर्ड्स की लिस्ट को इसी तरह याद करना है और इनमें से याद रखना आपने कि सिंगुलर फॉर्मेट कौन सा और प्लूरल फॉर्म कौन सा है। मीडियम वर्ड जहां पर भी आएगा वो सिंगुलर होगा, मीडिया वर्ड जहां पर भी आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। थीसिस के लिए एस आई एस के साथ जहां पर भी आएगा सिंगुलर होगा, और थीसिस एस ई एस के साथ जहां पर भी आएगा प्लूरल होगा।
पॉसिस वर्ड आपने पहले पढ़ा हुआ है, बेसिस वर्ड आपने पहले पढ़ा हुआ है, फोकस वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, इंडेक्स वर्ड आपने पढ़ा हुआ है। और देखिए आपके पास जो वर्ड है मैडम, इंग्लिश में हमने अब इसको क्या बना दिया है, मैडम। असल में ये फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच वर्ड में इसकी जो सही प्रोनंसिएशन है या जो सही स्पेलिंग है वो है एम ए डी ए एम ई, मदाम। लेकिन जब इंग्लिश में आया स्पेलिंग भी चेंज हुए और स्पेलिंग चेंज होने के साथ प्रोनंसिएशन भी चेंज हुई। मदाम फ्रेंच में था, इंग्लिश में आके क्या बना, मैडम। जब अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो मैडम्स कोई भी प्लूरल नहीं होता, याद रखिएगा। इसका प्लूरल आपके पास क्या बनेगा, मेसडैम्स। ये वो वर्ड है जो दूसरी लैंग्वेजेस के हैं, दूसरी लैंग्वेजेस से आते हैं इंग्लिश में, और इन पर रूल कौन से अप्लाई होंगे, दूसरी लैंग्वेज के, इन पर हम इंग्लिश के रूल अप्लाई नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ऑसिस में एस आई एस पे खत्म होता है, प्लूरल बनाने के लिए हम एस आई एस को किस में चेंज करेंगे, एस ई एस में। बेसिस एस आई एस पे खत्म होता है, खत्म, इसको प्लूरल बनाने के लिए किस में चेंज करेंगे, बी ए एस ई एस में। फोकस है, फोकाई भी होगा, फोकसिस भी होगा, हाइपोथीसिस है, और सिर्फ एक स्पेलिंग चेंज करेंगे, एस आई एस को किस में चेंज करना होगा, एस ई एस में। इन सारे वर्ड की लिस्ट को आपने अपने पास याद रखना है, लिखना है, इसके ऊपर मार्कर से बड़ी खूबसूरत सी हेडिंग आपने देनी है, जैसा कि आप लोग देते हैं अनयूजुअल प्लूरल्स। अनयूजुअल प्लूरल्स कौन से वर्ड्स हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस से हैं, इंग्लिश में आते हैं, और इन पर रूल भी कौन से ऐड इंप्लीमेंट होते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस के, ठीक है। इस रूल को आपने भूलना नहीं है, छोटा सा रूल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट को समझने के लिए, कि हमारा सब्जेक्ट कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा, ये हमारी बड़ी हेल्प करेगा। और आगे जाके आप देखेंगे कि आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इन वर्ड्स के साथ बहुत से क्वेश्चन गलत करने वाले हैं। ये मेरी बात नोट कर लें, मैं आपको बार बार याद दहानी करवाऊंगा कि बेटे मैंने आपसे कहा था कि एक लिस्ट याद कर लें अनयूजुअल प्लूरल्स की, इनको अच्छे से याद करना है, और कोई क्वेश्चन भी इनमें से आए उसको बिल्कुल भी गलती के चांसेस उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटे।